हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति एंड आज हम बनाएंगे मथुरा की फेमस पेड़े। ये ब्राउन वैरायटी ऑफ पेड़ा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेडिशनली पेड़े दो तरीके से होते हैं, एक व्हाइट वाले और एक ही ब्राउन वाले। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स खोया लिया है। ये मैंने होममेड खोया लिया है, जिसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। आप चाहें तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं, बट होममेड खोए में जो घी का कंटेंट होता है, फैट कंटेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। और जो आपका बाहर से अगर आप मार्केट से लाएंगे तो आपको उसको फ्राई करते टाइम काफ़ी ज़्यादा घी डालना पड़ता है। तो चलिए हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको फ्राई करते टाइम फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून मिल्क डालते जाएंगे, ताकि जो हमारा खोया है वो बहुत ड्राई ना हो। खोए की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज। हमें इसको थोड़े थोड़े इंटरवल पे मिल्क ऐड करते रहना है और घी ऐड करते रहना है। तो देखिए, यहाँ मैं 2 टीस्पून मिल्क फिर से ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। आप इसको छोड़ के फ्रेंड्स मत जाइएगा, अदरवाइज ये स्टिक कर सकता है बॉटम में। तो कोशिश करिएगा, कोई हैवी बॉटम पैन है आपके पास तो आप उसे यूज करें, अदरवाइज आप नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। रेगुलर इंटरवल्स पे हम इसमें मिल्क और घी ऐड करते जाएंगे फ्रेंड्स, ताकि जो इसका मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे और ये बहुत एक्सट्रीमली ड्राई ना हो। ये देखिए, हमारा खोया जो है वो लाइट ब्राउन होने लगा है। इसको ऐसे ही प्रेस करते करते हम और भूनेंगे अभी। ये देखिए, मैंने इसमें 1 टीस्पून घी डाला है। और जब आप खोए में घी और मिल्क को ऐड करते हुए उसे भूनते हैं तो उसका क्रिस्टलाइन सा एक फॉर्म बनने लगता है, बिल्कुल स्मूथ ना होके, जैसा कि हमारे मथुरा के पेड़े में होता है, उसी तरीके से इसमें भी वो क्रिस्टल से फॉर्म होने लगते हैं, बहुत फाइन से, और वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट देते हैं हमारे पेड़े को। तो ये देखिए, हमारा खोया कितने अच्छे से ब्राउन हो रहा है। नॉर्मली जब मथुरा के पेड़े बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें काऊ मिल्क का यूज किया जाता है, जिसका जब खोया बनता है तो वो ऑलरेडी ब्राउन होता है। बट चूंकि मैंने बनाया है बफेलो मिल्क से, जो मेरे यहाँ अवेलेबल होता है, तो हमें इसको थोड़ा ज्यादा भूनना पड़ेगा। और काऊ का मिल्क बहुत पतला होता है, तो उसमें जब हम खोया बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। बट बफेलो मिल्क में फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो जल्दी बन जाता है खोया हमारा। और इस खोए को बनाने के लिए मैंने फुल फैट मिल्क लिया था। तो ये देखिए, हमारे खोए ने भी अच्छे से घी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका कलर भी और डार्क होता चला जा रहा है। अब इसे बस हम 2 मिनट्स के लिए और भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे खोए का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इतना परफेक्ट ब्राउन कलर आ गया है इस पे, बिल्कुल मथुरा की पेड़ी जैसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस खोए को हम 5 मिनट्स के लिए बस ठंडा करेंगे। हमें इसको इतना कर लेना है कि हम इसको इजीली हैंडल कर सके हैंड से। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खोया बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसको मैं अच्छे से टच कर पा रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे बूरा शक्कर, जिसे हम तगार भी कहते हैं। अगर आपको ये मार्केट में ना मिले फ्रेंड्स, तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। आप 1 कप शुगर में 1/2 कप वाटर डालिए और उसको बॉईल करिए, गाढ़ा होने दीजिए और उसके बाद हीट को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे तो जो चाशनी हमारी बनती है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है और वो बिल्कुल शुगर का फॉर्म ले लेती है।
तो आप चाहें तो आप इसको इजीली अवेलेबल, अगर बूरा शक्कर है तो आप उसे ले लीजिए, अदरवाइज आप इसमें पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी शुगर है वो खोए में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैं दोनों पाम की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ और हमारा मिक्सचर देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। इससे हम अच्छे से पेड़े को बाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्मॉल पोर्शन लिया है और उसे हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। रोल करने से पहले फ्रेंड्स पाम में आप थोड़ा सा घी लगा लें ताकि आपका जो पेड़ा है वो अच्छे से बन जाए। अब मैंने इसे एक पेड़े की शेप दे दी है। इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े बना करके रख लेंगे। हमारे मथुरा के पेड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं, बट इसे हम अब थोड़ा गार्निश करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर एंड चॉप्ड नट्स का यूज किया है। इसकी मदद से हम इसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे। नट्स में मैंने फ्रेंड्स आमंड्स और पिस्टाचियोस लिए थे जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें लगाती जाऊंगी और थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें इसको लगाना है ताकि जो हमारे नट्स हैं वो वापस से गिरे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मथुरा के पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही डिलीशियस होते हैं फ्रेंड्स ये खाने में, तो प्लीज आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। एंड इफ यू लाइक द रेसिपी प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, दैट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी, एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can be notified whenever I upload a video. Thank you so much friends for watching this video. Stay tuned for more such videos. Stay happy, stay healthy. Bye bye, take care.